लाइंस के पार्ट थ्री में हमने लाइंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेजर या माप, टाइप या प्रकार और डायरेक्शन या दिशा के बारे में डिस्कस किया था। अब हम उसके जो बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला आता है लोकेशन या स्थान। पूर्वगामी लाइन के गुणों पर प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण को लाइन के लोकेशन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उसके प्लेसमेंट के अनुसार, यानी एक लाइन एक पिक्टोरियल एरिया को एकीकृत या विभाजित, संतुलित या असंतुलित कर सकती है। एक डायगोनल लाइन पिक्चर प्लेन में अपने ऊंचे या नीचे स्थान के आधार पर ऊपर उठते हुए या डूबते हुए को चित्रित कर सकती है या करती है। इसको हमने एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की है। जैसे फर्स्ट वाले में हम देखेंगे कि हमारे पास व्हाइट कलर में पिक्चर प्लेन है और उसके बीच में हमने एक ग्रीन कलर में हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचा है जो उस एरिया को दो भागों में विभाजित कर रही है। सेकेंड नंबर वाले में हमने एक वर्टिकल लाइन ली है जो उस सफेद वाला जो पिक्चर प्लेन है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी एक लाइन की पोजीशन को हमने जैसे ही चेंज किया तो वो उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इस लाइन को हम हटा देते हैं तो वो एक पेपर प्लेन जो है वो एक यूनाइटेड एक सरफेस हमारे पास मिल जाता है। तीसरे नंबर की इसमें आप देखेंगे कि जब हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों को मिलाया तो उस वाइट कलर के स्पेस को उसने चार बराबर भागों में डिवाइड किया। जैसे ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे या ऊपर लेंगे तो एक साइड हैवी हो जाएगा, एक साइड मतलब एक साइड जो वाइट स्पेस है वो कम दिखेगा और एक साइड हमें ज्यादा दिखेगा, चाहे हम उसको हॉरिजॉन्टली करें या हम वर्टिकल लाइन को लेफ्ट या राइट साइड शिफ्ट करें। जैसा कि हमने बताया था कि जो लाइन का जो लोकेशन है या जो स्थान है वो उस पिक्टोरियल एरिया को यूनिफाई भी कर सकता है और डिवाइड भी कर सकता है, बैलेंस भी कर सकता है और उसको असंतुलित भी कर सकता है। तो वो एक हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। फोर्थ वाले डायग्राम में हमने एक डायगोनल लाइन को प्लेस किया है जिसमें आप देखेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो उस एरिया को 3/4, 1/4 में डिवाइड कर रहा है और ऊपर की साइड एक एरो वाला डायगोनल लाइन है और एक नीचे की साइड। उस लाइन की पोजीशन यदि हम ऊपर रखते हैं, सेम है लाइन का आप डायरेक्शन देखेंगे तो करीब करीब हम यदि एरो हटा दें तो सिमिलर पोजीशन पे डायगोनल लाइन हमें मतलब पैरेलल दिख रही है। एरो इसलिए दिया है कि वो एक ऊपर जाता हुआ है, हम इसमें दिखा सकते हैं कि बर्ड ऊपर जा रही है या एरोप्लेन ऊपर की साइड जा रहा है। जैसे ही हमने एरो को नीचे किया तो हम ये कह सकते हैं कि उस पिक्टोरियल एरिया में कोई ऑब्जेक्ट
नीचे की तरफ आ रहा है, या हम कहते हैं कि उसने पानी के अंदर डाइव लगाया है। तो कहने का मतलब है कि उसकी लोकेशन जो है, लाइन का जो स्थान है, हम ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं, तो उसका जो पिक्टोरियल एरिया का जो मैसेज है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। फिर आता है कैरेक्टर, मेजर, दिशा, लोकेशन के साथ साथ रेखा में एक कैरेक्टर या चरित्र होता है। एक शब्द जो बड़े पैमाने पर उस माध्यम से संबंधित है जिसके द्वारा या जिसके साथ इसे बनाया जाता है। लाइंस की इमोशनल क्वालिटी का निर्धारण करने में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की प्रकृति महत्वपूर्ण है। पेन एंड इंक की सटीक दृढ़ रेखाओं के विपरीत चौक के धुंधले रंगों में निहित विभिन्न एक्सप्रेसिव क्वालिटीज को आसानी से देखा जा सकता है। अन्य साधन जैसे ब्रशेस, स्टिक, फिंगर्स या ब्यूरिन आदि सभी में एक विशेष प्रकार के एक्सप्रेसिव कैपेबिलिटीज हैं जो एक आर्टिस्ट एक्सप्लॉइट करके अपने पेंटिंग में या अपने ड्राइंग में दिखाता है। कलाकार सिचुएशन का वास्तविक मालिक है और यह उसकी क्षमता, एक्सपीरियंस, मेंटल और फिजिकल स्थिति जो लाइन के कैरेक्टर की प्रभावशीलता का निर्धारण करता है, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है एक आर्टिस्ट की वो उसको कैसे डिपिक्ट करता है और वो जिस तरीके से उस लाइन को डिपिक्ट करेगा वैसा ही व्यूअर्स को वो संदेश जाता है। थैंक यू।